तो एक बच्चा ना ऊपर से हमें देखता है, फिर वो बोलता है भाई भाई बिग फैन बिग फैन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। एंड आज क्या है, ये एपिसोड शुरू हो रहा है मेरे रूम से। एंड ऐसे बैठ करके शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई अभी मैं रेडी हुआ हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है जयपुर। एंड निकल रहा था मुझे 8 बजे, अभी बज रहे हैं 9, एंड मैं 1 घंटे लेट हो चुका हूँ। बट कोई ना, अभी निकलते हैं जयपुर के लिए, क्योंकि मुझे जयपुर गए बहुत सारे दिन हो गए भाई, बहुत ही सारे दिन हो गए। मुझे पता नहीं मैं लास्ट टाइम कब गया था जयपुर। मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ना खुद घूमना चाहता हूँ, तो मैं सोचा कि क्यों ना जयपुर ही चले आए, क्योंकि बहुत दिन हो गए अपने को गए हुए भी, एंड थोड़े बहुत काम भी है। पहले जयपुर चलते हैं, फिर आज का दिन पूरा जयपुर में मजे करेंगे। अभी 1 घंटा लेट हूँ मैं, अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से। तो अभी का हम आपको बता देता हूँ कि मेरा प्लान है भाई थोड़ा बहुत ट्रैवल करने का, तो अब आपको कंटिन्यू ट्रैवल व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो आपको ये मेरा रूम नहीं देखने को मिलेगा, अब मैं घूमना चाहता हूँ थोड़े बहुत दिन, तो अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से। तो फिर गाइस अभी निकलना है यहाँ से मुझे। एंड मैंने अपना भाई बैग भी पैक कर लिया, देख लो इसके अंदर मैंने कुछ रख लिया अपने सामान। एंड मैंने अपना पावर बैंक चार्जर सब कुछ रख लिया इसके अंदर। तो अभी मुझे निकलना है यहाँ से, एंड चलते हैं यार। बहुत दिन हो गए मुझे इस रूम के अंदर भाई, ये जो 4 दीवारें है ना मुझे पसंद आने लगी थी। बट वो लाइन आपने सुनी होगी कि आपकी लाइफ आपके कम्फर्ट जोन से बाहर होती है, तो मेरा ये कम्फर्ट जोन था, इसके अंदर मैं खुश रहता था अकेला। मैं किसी से भाई ज़्यादा मुलाकात करने की इच्छा भी नहीं रखता था, ना ही किसी से बोलता था, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था। ये मेरा सीमित एरिया बन चुका था गाइस, बट इससे बाहर जिंदगी है, तो अपने को निकलना पड़ेगा बाहर। गाइस एक्सीडेंट हो गया, ये देखो। समझ रहे हो, दिया इसने, इस गाड़ी वाले ने बस में ठोक दिया। रुकी पड़ी है यहाँ पे, हम केवल 10 किलोमीटर आगे आए रुक दी। गाइस अभी ना 10 का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, मतलब छोटा ही है बट पंगे बड़े गाल रहे हैं। जो ये गाड़ियाँ नहीं रहती हैं इनसे पीछे की साइड में भाई, इतने पता नहीं यहाँ पर रोक रखे थे और इसने लगा दिया पीछे से, तो छोटा सा पंगा हो गया। दिखाता हूँ अभी आपको, मैं ना विवश होके इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, क्या ही करूँ, ओजी बन के निकला था और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। Few moments later. भाई बहुत देर की मुशक्कत के बाद मिला है मेरे को। देखो भाई यार, मैं बहुत गाड़ियां निकाल चुका हूँ इसी राम में कि मेरी जान कौन सी में से उतरेगी। देखो बस में ना मैं सो गया था, फिर उतरा, ब्लॉक चलता ही रहा, फिर उतरा, फिर सीधा बस पकड़ा और फिर इधर आके उतरा इसके पास। तो गाइस बहुत देर की मेहनत और मशक्कत के बाद मैं पहुंचा भाई फाइनली रूम पे। अभी शाम को हम निकलेंगे यहाँ से ट्रेन लेकर के खाट श्याम के लिए। मैं सुबह निकला था 9 बजे और 9 बजे निकल के भाई बीच में आपको पता है एक्सीडेंट हो गया था और झगड़े वगड़े हो रहे थे, तो उसमें फंस गया था। एंड फिर बहुत बुरी हालत हुई मेरी, बस में मुझे खड़ा रह करके आना पड़ा, फिर मुझे नींद भी आने लगी, बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी। अभी बस थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ एंड फिर खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं यार आपसे। वैसे तो ना हम ना बहुत टाइम से घूम रहे थे, हमने फिर सुक्की बोला कि यार चल शॉपिंग कर दे, क्योंकि मैं इसे बोल रहा था बहुत दिन से कि मेरे को ना टी शर्ट खरीदनी है, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया, मेरे को ऑनलाइन भी थोड़ी ज्यादा प्राइस बोलते थे भाई ऑनलाइन वाले, और ना ही कोई डिस्काउंट देते थे। हमने बार्गेनिंग की तो फिर 1500 में 3 लिए मैंने भाई। यहाँ पर ना एक तो एक गाड़ी है ना, पी पी पी, पता नहीं इनका बाप का रोड है क्या, मेरे तो खुद को समझ नहीं आता यार। मेरा भी है यार, मैं भी कुछ हूँ, इंसान हूँ मैं भी। अभी भाई हमें एक बंदे से मिलना है, तो उसे कॉल करना है, एंड कॉल करके भाई उसे थोड़ा मिलते हैं। देखो भाई ये ना कॉल कर रहा है। आज ना मौसम यहाँ पर पता नहीं भाई मेरे पे मेहरबान हो रहा है, थोड़ा बारिश वाला हो रहा है, बट बारिश आ भी नहीं रही है, गर्मी भी नहीं लग रही भाई। मैं ना किसी भी मतलब मॉल में या फिर कपड़ों की शॉप में घुसता हूँ ना, तो मैं ओजी बन जाता हूँ भाई। और ये ना मेरे को ताकता है भाई, तू इतना खूबसूरत और सुंदर कैसे लग रहा है। मैं हुई हुई सब काली चरण है तेरी शक्ल से, नहीं तो बात तो सही कर ले तू यार। अब मैं हुई इतना सुंदर तो मैं क्या ही करूँ यार, मेरी गलती नहीं है इसमें, सच बोल रहा हूँ मैं तो कहा लिया दिखा तेरे को भाई पक्के। देखो इसे इसे देखो और मेरे को देखो, देखो मैं गोरा चल रहा लग रहा हूँ ना, लग रहा हूँ ना हैंडसम। अभी अपने मित्र रवि से मिलवाता हूँ आपको मैं। ये अपने के किरोड़ी जी
आ गए, वो जयपुर पहुंच चुके हैं और एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और इनका बर्थडे है और ये बर्थडे के लिए मना कर रहे हैं। ये पूरी बोतल को लेके बैठ गए। एक तो ना बाजार में अपना व्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि टी टी पे 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 सुक्ति ना परेशान हो चुका भाई बिल्कुल बहुत बुरा। और आज ना खाट श्याम के चलने का प्लान ड्रॉप हो चुका है क्योंकि आज हमारे चाचा जी का जन्मदिन है तो उन्होंने हमें पार्टी में इनवाइट किया। तो हम लोग ना अभी जा रहे हैं रूम पे एंड तैयार होकर के वापिस चलना है तो निकलते हैं। एंड भाई बहुत मजा आया भाई लोगों से मिल करके मुझे। एंड बहुत सारे दिनों में हम सभी लोग एक साथ बैठे हैं भाई बहुत ही दिनों में। सो गाइस अभी ना हम दोनों देखो कैसे देख रहे देखो तुम दिखाओ ना देखो तुम तुम्हारे भाई देखो बिल्कुल सिंपल है। तो अभी ना हम हमारे चाचा जी के बर्थडे पे जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो हम जल्दबाजी में मतलब बहुत ज्यादा तेजी से वॉक कर रहे हैं भाई। जस्ट मैं ना अभी ऐसे व्लॉगिंग शूट करते हुए अभी हम निकल रहे थे उधर से तो एक बच्चा ना ऊपर से हमें देखता है फिर वो बोलता है भाई भाई बिग फैन बिग फैन यार छुप जाता है। और मतलब बार तीन चार बार बोला मैं देखा कौन है फिर वो ऊपर से ऐसे कर रहा है ऐसे भाई बहुत सारा प्यार उस बच्चे को। छोटी गंगा बोल के डालो रे नाम तो भाई पसार दे दिया बस आ दिया बर्थडे बोल रहा है या समझ लो भाई साहब बोल रहे हैं मजा नहीं आया मज़ा नहीं आया। देखो गाइस पहले हमारा प्लान था WTP जाने का बट नहीं हुआ क्योंकि भाई लड़के बहुत सारे हो गए थे और अब यहाँ पर बैठ कर के कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ रहा है। ले लो हम पहले सोचे थे भाई कि दो तीन लड़के रहे मतलब 10-15 रहेंगे और अच्छे से पार्टी करेंगे बट पब्लिक मतलब खतरनाक हो गई थी। एक सीन देख लो पहले आप लोग भैया कौन हो भैया भैया कौन आप किसकी तरफ से आए हो भैया सफाई कर दो